करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, ऐसे बोल दिया चलो फाइंड पी, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया साइन थीटा प्लस साइन थ्री थीटा, ठीक है, प्लस साइन फाइव थीटा प्लस दिस इज साइन सेवन थीटा, चलो और लिख लेते हैं नाइन थीटा, और चलो एक और लिख लिया साइन इलेवन थीटा। आ रहा समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ठीक है, एक एक चीज देखते जाओ। जैसे मुझे बताओ फर्स्ट एंगल यहाँ पर अल्फा कितना है, थीटा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना है, तुम ऐसे देख सकते हो कि देखो यहाँ पर कितना था थीटा, यहाँ से ये कितना ऐड अप हो गया, थ्री थीटा हो गया, तो कितना ऐड कितना हो रहा है, टू थीटा ऐड हो रहा है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। या तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि सेकेंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल, तो ये तुम्हारे लिए क्या दे देगा, कॉमन डिफरेंस दे देगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितना है, तो तुम इसको काउंट कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, तो सिक्स नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बस तुमको यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो ये कितना हो जाएगा पी, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा साइन, क्या था फॉर्मूला, एन बीटा बाय टू डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा बीटा बाय टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन, दिस इज बीटा बाय टू। अब तुम क्या करो, यहाँ पर वैल्यूज पुट अप कर दो। तो यहाँ से कितना देगा साइन, एन कितना है सिक्स, ठीक है, बीटा यहाँ पर कितना है टू थीटा, और यहाँ पर एक टू आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर कितना देगा, दिस इज साइन, यहाँ पर कितना देगा बीटा बाय टू, ठीक है। यहाँ पर कैसे कैसे लिख दो, अल्फा की जगह यहाँ पर कितना देगा थीटा, प्लस एन माइनस वन कितना हो जाएगा, अगर एन सिक्स है तो एन माइनस वन कितना होगा फाइव हो जाएगा, तो यहाँ से कितना देगा, ये हो जाएगा फाइव थीटा, और यहाँ पर बीटा कितना है टू थीटा बाय टू, इस तरह से आ गया। अब तुम क्या कर लो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर टर्म्स क्या कट रहा है, ये टर्म्स कट गए, ये वाले टर्म कट गए, ठीक है, ये वाले टर्म कट गए, तो यहाँ पर बन कितना गया, P इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, ये सिक्स थीटा हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये कितना देगा साइन, तो ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा थीटा प्लस, अच्छा एक गलती हो गई, यहाँ पर ये थीटा नहीं आएगा, मतलब एन माइनस वन सिर्फ फाइव होगा ना, बीटा में आ जाएगा टू थीटा, फाइव थीटा थोड़ी ना आएगा, सिर्फ फाइव आएगा, राइट, एन माइनस वन, तो तुम इसको क्या करो, मिटा दो थीटा को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर ये थीटा है और यहाँ से कितना हो जाएगा फाइव थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से भी क्या हो गया, फिर से सिक्स थीटा आ गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, तो तुम इसको और कैसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर सिक्स थीटा डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा साइन थीटा हो गया। तो ये कौन से फॉर्म में आ गया, कॉम्पैक्ट वाले फॉर्म में आ गया। आ रहा समझ में कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, चलो एक क्वेश्चन और ले लिया हमने, किस में, कॉस में ले लिया। चलो मैंने ऐसे बोल दिया पी कॉस, एंगल थोड़े अलग ले लेते हैं, पाई बाई इलेवन प्लस यहाँ पर लिख दिया कॉस थ्री पाई बाई इलेवन प्लस दिस इज कॉस फाइव पाई बाई इलेवन प्लस दिस इज कॉस सेवन पाई बाई इलेवन, एक और लिख लिया चलो लास्ट नाइन पाई बाई इलेवन, ठीक है। हमें क्या करना है, पी फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने पी लिख दिया तो इससे कुछ चेंज नहीं होगा, तुम ये मैंने नहीं बोलोगे कि अरे सर ये तो क्यू था, तो P और Q तो मैंने खुद लिया ना, तुम इसके जगह कुछ और भी ले लोगे और अगर कुछ और भी अल्फाबेट लिख लोगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, तो P का फॉर्मूला, अगर ये कॉस है तो यहाँ पर कितना होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर साइन, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं होता, ये हो जाएगा साइन बीटा बाई टू, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन बीटा बाई टू, ठीक है। बस यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन की जगह अब यहाँ पर कॉस आ जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम क्या करो, पहले तो ये देख लो अल्फा यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एंगल कितना है, पाई बाई इलेवन है, ठीक है। बीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, सेकेंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा टू पाई बाई इलेवन हो गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बीटा यहाँ पर टू पाई बाई इलेवन हो गया तो मुझे ये बताओ बीटा बाई टू कितना हो जाएगा, पाई बाई इलेवन हो जाएगा। क्यों बना रहे हैं बीटा बाई टू, क्योंकि बीटा बाई टू का यूज आने वाला है, ठीक है। वैसे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो तुम क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, एक दो तीन, ठीक है, चार पाँच, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने हो गए, पाँच हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी वैल्यू उसको उठा के रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा साइन, एन यहाँ पर कितना है फाइव, और बीटा बाई टू लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा फाइव बाई इलेवन हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस, अल्फा यहाँ पर कितना है पाई बाई इलेवन प्लस, ठीक है, अगर एन यहाँ पर फाइव है तो n माइनस वन कितना होगा, दैट इज फाइव माइनस वन कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, फोर हो गया, ठीक है। और बीटा बाई टू यहाँ पर कितना है, पाई बाई इलेवन है, ठीक है। डिनोमिनेटर में यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस इज साइन बीटा बाई टू, डायरेक्ट लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई इलेवन,
आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है। अब तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको और कंप्रेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पर तो क्या कितना लिखा है, साइन 5π/11, ठीक है, और कॉस, इसको भी तुम यहाँ पर क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ये भी कितना देगा, 5π/11 हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या लिखा है, दिस इज साइन पाई बाई इलेवन, ठीक है। तो तुम यहाँ पर ऊपर क्या देख सकते हो, ऊपर देखो ऐसे लिखा है कुछ, साइन ए इंटू कॉस ए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको और कंबाइन कर दिया, तो इसके लिए यहाँ पर 2 ऊपर दे दिया, इसको यहाँ पर 2 ऐसे दे दिया, क्या लिखा है ये, 2 साइन ए कॉस ए, क्या बन जाएगा ये, साइन 2 ए बन जाएगा। तो अगर यहाँ पर ये साइन 2 ए हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एंगल डबल हो जाएंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10π/11 हो गया, और यहाँ पर नीचे कितना हो गया, 2, दिस इज साइन पाई बाई इलेवन। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे ये जो लिखा है साइन 10π/11, इसको देखो हमने कैसे लिख लिया, दिस इज साइन, इसको ऐसे लिख लिया π-π/11, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, लिख सकते हो, उसे एलसीएम लेके देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब साइन पाई माइनस थीटा तो कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, तो यहाँ से ये कितना हो गया, साइन पाई बाई इलेवन हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर ये साइन पाई बाई इलेवन हो गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये अलग टर्म कटेगा, और इसका यहाँ पर ये से यहाँ से ये डिनोमिनेटर कट जाएगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर पी कितना आ गया, यहाँ पर हाफ आ गया, ये इसका आंसर आ गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, बस कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना है और फिर क्या करना है, तुम्हें आगे प्रोसीड करना है, ठीक है, समझ में आता है क्या कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया सेकेंड, चलो एक और ले लिया थर्ड, ऐसे लिख दिया, फाइंड समेशन के इज गोइंग फ्रॉम 1 to 51, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया कॉस स्क्वेयर, दिस इज के पाई बाय 52, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि देखो अभी यहाँ पर आर नहीं लिखा, के लिखा है, क्या बोल रखा है कि के इज गोइंग फ्रॉम 1 to 51, तो उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ गया, आर तो मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, तुम आर की जगह पी ले लो, क्यू ले लो, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो अल्फाबेट से डरना नहीं होता हमें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, के कैसे जा रहा है, 1 से लेके 51 जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब जब तुम इसका सबमिशन ओपन करोगे तो कैसे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, पहले तुम के को 1 रख दो तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 52 हो जाएगा, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 52 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये चलता जाएगा, लास्ट वाला टर्म यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 पाई बाई कितना हो जाएगा, 52। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो एंगल्स तो यहाँ पर क्या है, एपी में है, पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, और हमारे फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर नहीं होता था, या तो साइन हो जाए या तो कॉस हो जाए, जिसका स्क्वायर नहीं हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, जो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2θ, और यहाँ पर क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, है ये एक फॉर्मूला, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2θ/2। तो हमने क्या किया, इस ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, इससे फायदा क्या होगा कि स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिस इज समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेके 51 जा रहा है, क्या कि हमने ये जो लिखा है ये वाला टर्म, इसको हमने ऐसे लिख दिया 1 + दिस इज कॉस, ठीक है, क्या करना है, 2 times करना है एंगल को, तो ये कितना देगा, 2k π अपॉन यहाँ, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिग्मा में जो यहाँ पर टर्म है उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि इंडिविजुअल टर्म के लिए तुम यहाँ पर इस फॉर्मूला लगाओ, तुम एक काम करो ना, मतलब सिग्मा लिखा है तो उसका फायदा उठाओ ना, उसी टर्म को तुम क्या करो, चेंज कर दो, फिर अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या होगा, सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 2 भी रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे लिए यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे वर्किंग कर लिया, पहले तो मुझे ये बताओ, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि सबमिशन में अगर कुछ भी कॉन्स्टेंट होता है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, बाहर फेंक सकता हूँ। तुम्हें यहाँ पर कौन सा कॉन्स्टेंट दिख रहा है, तुम्हें ये कॉन्स्टेंट यहाँ पर 2 लिखा है, अगर यहाँ पर 2 लिखा है इसका मतलब क्या हो गया, 2 तो डिनोमिनेटर में जाएगा ही, 2 तो सबके डिनोमिनेटर में रहेगा, इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 2 को मैं ऐसे कॉमन ले सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा, सबमिशन के इज गोइंग फ्रॉम 1 to 51, ये कितना हो जाएगा, 1 + ठीक है कॉस, अभी यहाँ पर भी हमने क्या किया, 2 से काट दिया, तो ये कितना हो जाएगा, के पाई बाय ये कितना हो जाएगा, 26, इस तरह से लिखा है ये, आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम लोग देखो और क्या कर सकते हो, जैसे ये हाफ तो इधर हो गया, एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था सिग्मा का कि अगर सिग्मा यहाँ पर 2 टर्म्स में लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है कि सिग्मा अलग अलग टर्म्स में जा सकता है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर क्या बोलना चाहता हूँ कि इसको तुम ऐसे लिख लो, सबमिशन के इज गोइंग फ्रॉम 1 to 52, ठीक है 51 जा रहा है ना, इसको 51 लिख लेते हैं, 51
ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा समीशन वेर के इज गोइंग फ्रॉम 1 टू 51, यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉस, ये कितना हो गया के पाई बाय 26 आ गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज हाफ। मुझे बताओ देखो यहाँ पर ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, के तो तुम्हें दिख नहीं रहा सिग्मा में, सिग्मा में के नहीं दिख रहा मतलब के यहाँ पर वेरी नहीं करेगा। बस यहाँ पर क्या होगा, ये जो वन लिखा है यहाँ पर यही कितने बार लिख दोगे तुम, 51 टाइम्स लिख दोगे। तो अगर तुम वन को 51 टाइम्स लिख दोगे तो यहाँ पर इसका सबका सम कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ ठीक है, अगर आर यहाँ पर वन से एन जाता है और अगर सबमिशन में वन लिखा है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं फाइन। और बस इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसे क्यू बोल दिया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग से निकाल लेते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्यू को ऐसे लिखा ओके। और अब हमने क्या किया, क्यू में ये यू के लिखा है यहाँ पर समीशन वेर इट इज गोइंग फ्रॉम के से 51, दिस इज कॉस के पाई बाय 26। क्या किया हमने, इसको ओपन कर दिया। जैसे तुम अगर इसको 1 रखते हो तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 26 रख दिया। ठीक है, प्लस जब तुम इसको 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 पाई बाय 26 हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसी तरह से लास्ट में यहाँ पर टर्म क्या बनेगा। ठीक है, क्या रखोगे यहाँ पर, के जगह 51 रखोगे तो ये जाएगा 51 पाई बाय 26। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एंगल्स अभी भी एपी में हैं, तो तुम क्या कर सकते हो, फॉर्मूला यूज अप कर सकते हो। उससे पहले तुम क्या करो, तुम ये देख लो फर्स्ट एंगल यहाँ पर कितना है, ये हो जाएगा पाई बाय 26। ठीक है, बीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तुम डिफरेंस निकाल के देखो, किसका डिफरेंस, सेकेंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल। जब तुम यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, पाई बाय 26 आ जाएगा। सही है, और नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ पर कितने रहेंगे, 51 ही रहेंगे। अगर के अगर 1 से 51 जा रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो कितना होगा, 51 ही होगा। सही है, अब तुम क्या करो, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्यू ये हो जाएगा साइन, ठीक है, साइन एन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन बीटा बाई 2, और यहाँ पर कितना जाएगा कॉस, क्यों, क्योंकि कॉस की सीरीज चल रही है, ये कितना जाएगा अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। ठीक है, अब तुम यहाँ पर क्या करो, वैल्यूज को पुट अप कर दो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा साइन, ठीक है, एन यहाँ पर कितना है 51, ठीक है, बीटा यहाँ पर कितना है पाई बाय 26, ठीक है, और एक और यहाँ पर बाय 2 है, तो इस तरह से ये हो गया। आ रहा समझ, हमने क्या किया, जो भी वैल्यूज तुम्हें दिख रही है उसको रख दो और क्या। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, बीटा यहाँ पर कितना है पाई बाय 26, ठीक है, और यहाँ पर क्या, एक 2 है इधर। आ रहा समझ में, यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस, ठीक है, अल्फा, अल्फा यहाँ पर कितना है पाई बाय 26, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा एन माइनस 1, एन माइनस 1 मतलब 51 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है, और यहाँ से बीटा कितना आ रहा है पाई बाय 26। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें दिख रहा हो हम लोग क्या कर रहे हैं। नीचे नहीं दिख रहा तो तुम क्या कर सकते हो, अपना फॉर्मूला तो मैंने तुम्हें लिख ही दिया है, सारे टर्म्स बताई दिए, अल्फा बीटा यहाँ पर एन कितना है, तो तुम क्या करो उठा के रख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर Q कितना आ गया, इसको आप थोड़ा सही से लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना हो गया, दिस इज साइन, ये देखो 51 पाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितना हो जाएगा 26 इंटू 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 52 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, ठीक है, यहाँ पर कितना लिखना है मुझे पाई बाय, ये भी कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। आ रहा समझ, यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा अल्फा दैट इज पाई बाय 26 प्लस एन माइनस 1 यहाँ पर कितना आया था 50 और बीटा बाई 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 26, ठीक है, अच्छा बाई 2 एक और आएगा, ठीक है, तो इसमें करेक्शन कर लो इधर, ठीक है, यहाँ पर एक बाई 2 और आएगा, सही से लिख लो, बीटा बाई 2 लिखा है ना, तो एक बाई 2 और आ जाएगा। फाइन, तो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस 2 से इसको काट लो तो ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है, और 25 प्लस 1 यहाँ पर क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा 26 पाई अपॉन 26 आ गया, राइट, तो 26 पाई अपन 26 कितना हो जाएगा, कॉस पाई हो जाएगा,
ठीक है, और कॉस पाई कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। आ रहा है समझ में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ठीक है, इसको लिख लेते हैं। जैसे इसको सबसे पहले क्या किया, साइन, इसको ऐसे लिख लेते हैं पूरा। अच्छा, 51 पाई बाई 52 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस दिस इज पाई बाय 52। देखो एलसीएम लेके देखो, अपने आप वो बनेगा, क्या फायदा होगा इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर कटेगा यहाँ पर, यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई बाय 52 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ही कितना हो जाएगा, कॉस पाई हो गया, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या क्या आ रही है, देखो एक तो यहाँ पर ही आ जाएगा क्यू, ये क्या लिखा है देखो, यहाँ पर ये लिखा है साइन पाई माइनस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। तो यहाँ पर ऊपर भी क्या बन जाएगा, साइन पाई बाई 52 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा कट जाएगा। ठीक है, और कॉस पाई की फिर वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है, समझ में आता है ना। ठीक है, तो अगर ये सब याद नहीं है ना तुम्हें कि कॉस पाई कितना है, साइन पाई कितना है, ठीक है, साइन पाई बाई 2 कितना है, तो तुम जाके याद कर लो, ठीक है, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन होगी। बस अब तुमको यहाँ पर क्या करना है, क्यू की वैल्यू उठा के यहाँ रखना है तुम्हें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 51 माइनस वन। ठीक है, तो ये कितना हो गया 50/2, तो ये कितना हो गया 25। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, अगर कभी भी तुम्हें स्क्वायर दिख रहा है और अगर एंगल्स एपी में है, तो तुम क्या करो, स्क्वायर को कन्वर्ट कर दो बाय यूजिंग फार्मूला। तुम स्क्वायर को कन्वर्ट कर दोगे तो फिर तुम क्या कर सकते हो, फिर तुम इसको कंबाइन कर सकते हो। एंगल्स तो किस में रहेंगे, एपी में ही रहेंगे। ठीक है, यारा फॉर्मूला दोनों तभी लगाना है जब यहाँ पर क्या हो जाए, एंगल्स एपी में हो। ठीक है, आई होप दिस इज फाइन।